कीजिए बुड बग जट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये बोतल प्लाउट जो लगाना आपको किस हिसाब से लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, इसका साइज़ है किस हिसाब से होना चाहिए, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लगाया जाता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बड़ू बजट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा बोतल प्लाउट। बोतल प्लाउट जो होता है वो किसकी फिटिंग किस तरीके से लगाई जाती है, उसमें जो हमारी फिटिंग आती है जैसे फोल्डिंग आती है उसमें सारा सिस्टम जो आता है हमारे रैक का और उसमें जो हमारी साइड की जो उसकी पत्ती होती है वो सारी कुछ अलग आती है, तो उसको किस तरीके से टाइट करके किस तरीके से फिट करना चाहिए, बॉक्स किस तरीके से बनवाना चाहिए, आपको साइज़ किस हिसाब से रखने चाहिए, तो इस वीडियो में देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों प्रॉपर वीडियो देखना तभी समझ में आएगा, जानकारी पूरी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो में चलो देख सकते हैं, अगर आपको जैसे बोतल प्लाउट लगाना है अपना गिलास वाला बेला कंपनी का अगर आपको लेना है, तो इसकी जो कंपनी है बेला कंपनी, इसकी क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। अगर आपको जैसे लेना लगाना है तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर हमारा जो बोतल प्लाउट है सारी फिटिंग आती है, और इसमें साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितने साइज़ का आपको लगाना है, किस तरीके से होना चाहिए। इसमें चैनल जो हमारी चैनल होती है वो भी आती है, और इसमें अपने जो रैग होते हैं रैग भी आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जैसे अपने दो जो अपना दो पार्टीशन में होता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दो लेयर वाला आपको जो लगाना है तो इस प्रकार ले सकते हैं। अपना बोतल प्लाउट जो होना चाहिए अगर आपका जैसे गिलास वाला होता है, तो ये गिलास वाला है, इसमें ये महंगा आता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फिटिंग आती है। और अपना अदरवाइज़ किसी कंपनी का लेते हैं तो उसमें जो क्वालिटी है इसके अलावा हल्की क्वालिटी मिलती है, बाकी इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आपको जैसे लगाना ही देख रहे हैं अपना, इसमें चैनल निकलती है अपनी, जो चैनल होती हैं जो हमारी सॉफ्ट क्लोज होता है, और इसका जो मार्केट प्राइस है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो मार्केट में मिलता है आप इस हिसाब से ले सकते हैं। इसका मैं प्राइस भी बता दूंगा आपको कितने तक का आता है, और आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि अगर आपको लगाना इस तरीके से लगता है, नीचे की साइड इसकी चैनल लगती है जो हमारी साइड में दिखती नहीं है बाहर से, और नीचे अपनी जो हमारा प्लेटफार्म होता है किचन का उस पर लगती है, इस प्रकार लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि आपका बोतल प्लाउट है तो इसमें कितने साइज़ का होता है, किस हिसाब से होना चाहिए, साइज़ जो आपको छोड़ने होते हैं, जैसे कि 8 इंची है तो आपको 9 इंची जगह छोड़नी होती है। ये देख रहे हैं अपना स्क्रू इसी में ही आते हैं, हमारे जो स्क्रू होते हैं सारे इसी में मिलते हैं अपने, इस हिसाब से ले सकते हैं, अपने स्क्रू इसी के अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये कसना होता है, जो साइड के हमारी जो पत्तियाँ होती हैं इसमें जो लगानी है आपको, ये रोड जो होती है आपको ये साइडों में कसनी होती है, ये अपने सिल्वर की होती हैं, अच्छी क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारी मजबूती काफ़ी होती है, और ये एल टाइप में होती है। इसमें जो हमारे इसमें जो गैप होते हैं लोक के साइज जैसे लोक होता है वैसे ही होते हैं इसमें, और इसी हिसाब से दो स्क्रू हमारे नीचे आते हैं, दो स्क्रू ऊपर आते हैं एक पत्ती में, तो हमारे इसी में ही आते हैं अपने एक साइड जो पत्ती होती है उसमें अपने 4 स्क्रू आते हैं, दूसरी साइड में भी अपने 4 ही आते हैं, तो इसी प्रकार आप टाइट कर सकते हैं। और इसमें आगे पीछे की जो पत्ती होती हैं उसमें भी हमारा डिज़ाइन आता है इस प्रकार, और आपको जो ऊपर का नीचे का जो अपना रैग लगाना किस प्रकार लगाना चाहिए, इसमें ऊपर नीचे का अपना जो हमारे खांचे आते हैं जैसे पत्तियों के, तो उसी हिसाब से आते हैं जो रोड है ये अपनी, इसमें देख सकते हैं ये आगे की साइड होती है, इसमें आपको जो आगे से डोर्स लगाना किस तरीके से लगाना चाहिए, जो हमारा फ्रंट का मत्था होता है, तो उसके हिसाब से भी इसमें स्क्रू की जगह दी जाती है किस तरीके से आपको लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है, फिनिशिंग मजबूती काफ़ी है इसमें, और इसमें जैसे गिलास लगा होता तो उसके ऊपर भी अपना एक इन्होंने ऐसा बना रखा है कि गिलास टूटेगा नहीं, इसमें इन्होंने अपने एक प्रोफाइल लगा रखी है ऊपर से गिलास के ऊपर से, जिसमें कि आपके हाथ में भी लगेगा गिलास, और इसमें मजबूती काफ़ी दी है इसके अंदर, गिलास भी नहीं टूटेगा आपका, और इसमें अपनी इन्होंने प्रोफाइल लगा के ऐसी फिटिंग बनाई है कि आप दूसरी कंपनी में अगर देखोगे आप तो ऐसी फिटिंग नहीं मिलेगी आपको, जो इनकी फिटिंग है इनकी जो अपना जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग है इसमें। और आप देख सकते हैं इसमें आपका जो इनकी अगर आप इनकी बास्केट भी लगाते हैं, किसी चीज़ भी जैसे बास्केट लगाते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलती है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा लगाने का तरीका है वो इसमें लगाने के किस हिसाब से चाहिए, इस तरीके से आपने जो स्क्रू हैं स्क्रू प्रॉपर टाइट करनी है आपको, कोई भी इसमें लूज नहीं छोड़ना। आप देख सकते हैं इसमें HPL की सीट लगी हुई है नीचे जो हमारी होती है, ये अपने ग्रे कलर में, ग्रे कलर के आप ले सकते हैं, और इसमें अपना जो फिनिशिंग के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। हमारा साइज़ है, साइज़ किस हिसाब से होने चाहिए ये देख रहे हैं, अपने चैनल 8 इंची है ये अपना, जो हमारा 9.5 इंची है, 9 इंची की जगह छोड़ते हैं हम बोतल प्लाट के लिए अंदर अंदर, अगर आपको बनाना है ये देख सकते हैं 500 mm यानी कि अपना 20 इंची का,
20 इंची का चैनल लगेगा, 19.5 इंची ये आती हैं बास्केटें, हम जो इनोटेक बास्केट लेते हैं तो अपना ये इनोटेक में है, आप देख सकते हैं। इसकी जो हाइट है आपकी 19 इंची है, तो ये 18 इंची हाइट का ले सकते हैं। ये बलम का है, बलम कंपनी अपना जो इस पर मार्का भी लगाती है, जो अपना नाम उस तरीके से है। और इसका जो प्राइस है, प्राइस इसका लगभग आप मान के चलो, जैसे कि आपका लेस कितना होगा, ये वैसे तो 8-9 हज़ार रुपये का इसका प्राइस होता है, लेस कितना है कितने नहीं है कितने परसेंट है वो आप मार्केट में पता कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है इसकी और फिनिशिंग बहुत बढ़िया। और इसमें नीचे इस तरीके से चैनल लगेगी, आपकी जो चैनल है सो क्लोज है ये, और इसमें आपकी जो वारंटी मिलेगी अच्छी खासी वारंटी मिल जाती है इसमें, लाइफ टाइम की वारंटी बोलते हैं बाकी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं और अपना 5-10 साल की वारंटी मान के चलें अपनी। टेक्निकल कोई इशू आता है तभी वारंटी होती है, अगर उसमें कोई टूटेगा आपका तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, टेक्निकल जो इशू होता है उसी की वारंटी होती है। जैसे कि आपका सॉफ्ट क्लोज काम नहीं कर रहा है या अपना इसमें फिटिंग में कोई दिक्कत है, तो इस तरीके की वारंटी है। कलर का कोई आपका जो आपके हिसाब से ये कहीं से डिफेक्ट है तो उसकी वारंटी, नए पैकिंग में अगर आप खोलते हो तो उसकी वारंटी होती है। बाकी अगर आपका जैसे यूज़ कर रहे हो आप, तो इसमें आपकी वारंटी मिलेगी। जैसे कि कोई टेक्निकल अगर चैनल में कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की, अपना ये लूज़ हो जाता है किसी हिसाब से, कुछ दिक्कत आती है, तो वो उसकी वारंटी आपको मिल जाएगी। देख रहे हैं 4 इंची जगह, इसी हिसाब से आपको पीछे की साइड नापना। ये आपको जो लगाना है इसके अंदर का साइज़ इस तरीके से नापना, और चैनल आप इस तरीके से लगानी आपको अंदर की साइड। जैसे कि आप बाहर की साइड लगा देते हो तो बाहर स्क्रू के नज़र आते हैं, जो हमारे ऊपर से कुछ सामान गिरता है तो वो उस पर जमता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। जैसे कि आप नीचे लगा देते हो, जो हमारा बोतल प्लाउट होता है, स्क्रू के जो हमारे स्क्रू लग रहे हैं वो भी अगर अंदर की साइड कर देते हो चैनल में, तो उसमें आपका ख़राब होने के चांस नहीं है स्क्रू के भी, और उसमें अपना जो मिट्टी है, धूल मिट्टी, उसको साफ़ कर सकते हैं आसानी से। इस तरीके से देख रहे हैं अपने, जैसे कि आपने ये देखा इसमें इस तरीके से लगाना आपको। फिर उसके बाद अपने साइज लेने के बाद, चैनल टाइट करने के बाद अपने निशान लेने, इसी प्रकार आपको जितना गैप देना साइडों में, इस हिसाब से आपको साइज लेना, उस हिसाब से नाप कर लगाना है। गैप आपका बराबर होने चाहिए दोनों साइड में, और आपको जो अंदर करके लगाना है, जैसे कि हमारे बोतल प्लाट कितना अंदर करके लगाना चाहिए, तो आपका 4 या 5 mm अंदर करके लगना चाहिए, इससे ज़्यादा अंदर नहीं लगता। अगर इससे ज़्यादा अंदर लगाते हो तो सॉफ्ट क्लोज काम नहीं करता। इसमें मेरे जो सब्सक्राइब भाई हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि जो खोलते हैं जैसे बंद करते हैं तो सॉफ्ट क्लोज काम क्यों नहीं करता, तो उसमें रीज़न ये रहता है कि आप जो लगाते हो तो उसमें कहीं पर चैनल टेढ़ी हो जाती है, तो आपको चैनल दोनों सीधी लगानी है, दो चैनल पर चलाना। नीचे का अगर बोतल प्लाउट है नीचे चैनल वाला, बेस वाला, तो आप बेस वाला इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर साइड वाला है तो साइड वाला, जो हमारे होते हैं दूसरे होते हैं उनमें साइड से चैनल लगती है, अगर आप टेलीस्कोपिक चैनल लगाते हैं। ये सॉफ्ट क्लोज इनोटेक जो अपना इनोटेक होता है इसी तरीके से आता है। ये अपना देख सकते हैं 4 से 5 mm अंदर करके लगाना, अंदर भी आपको साइज नापना है कहीं पे आपका ये टेढ़ा तो नहीं बोतल प्लाउट। और ये अगर आप देख रहे हैं जैसे कि मार्बल के स्लैब हैं तो इसमें आसानी से लगा सकते हैं, स्लैब आपके सीधे होने चाहिए, गुनिया में सोल में लगे हुए होने चाहिए, इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जैसे कि हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं उनकी अपडेट आपको मिलता रहे। ये देख रहे हैं जैसे कि इसमें 5 mm का हमने गैप दिया है, ये 5 mm अंदर करके लगाना आपको, बाहर से अगर आप जैसे सीधा नापते हो तो अंदर करके लगाना 5 mm। फिर उसके बाद अपने पेंसिल के निशान लेने, इसी तरीके से लेने। फिर उसके बाद अपना ये बोतल प्लाउट खोल देना, इसमें से चैनल वहीं पर रख के अपना बोतल प्लाउट खोल लेना है। अब हमारा जो चैनल है जिस हिसाब से होना चाहिए अपना बास्केट में, उसी हिसाब से हमने जैसे नापा था वैसे इसमें निशान आ जाएगा, जहाँ पे हमारे को ज़रूरत है उसी की निशान ले लेंगे, उसी तरीके से निशान लेने हैं आपको। और आप देख सकते हैं इसको लगाने में कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान है इसको लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं इस वीडियो में देख के। अगर नहीं आता आपको समझ में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है किसी तरीके की, कोई दिक्कत भी आती है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक जो समय है इसी टाइम आपको कॉल करना है। अगर आप ज़्यादा लेट करते हो तो कॉल नहीं उठा पाऊँगा मैं। ये देख रहे हैं अपना, इस तरीके से आपको निशान लेना। हमने इसको खोल लिया, निशान लेने के लिए हम टाइट करते हैं पहले बोतल प्लाट में, फिर उसके बाद निशान लेते हैं। ये सबसे आसान तरीका, जो मेरे सब्सक्राइब भाई हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लगाने में, इस तरीके से वो लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना साइज नापना, अपना जो हमने निशान लिए हैं इसमें, ये अपना 100 mm, 100 mm हमारा 4 इंची हो जाता है। तो इस तरीके से आपको नापना, फिर अपना
ड्रिल के अपने जैसे हैम्बर से अगर ड्रिल मशीन से होल करने हैं, इसमें गिट्टी के लिए जो हमारी गिट्टी करी जाएगी, आप देख रहे हैं ये जैसे 6 mm का बिट है, इससे अपना गिट्टी कर सकते हैं हैम्बर से। फर्श पे जो गिट्टी होती है वो थोड़ी मजबूत होती है, थोड़ी लंबी होती है। पत्थर पे हैम्बर से कभी भी गिट्टी मत करना, पत्थर टूट जाता है। मैं उस पत्थर की बात कर रहा हूँ जो हमारे साइड में पार्टीशन खड़े हैं, इसमें हैम्बर से कभी नहीं करना। अगर आपको जैसे करना है उसका वीडियो मैं बनाऊँगा, जो हमारा एस क्राउजर है किस तरीके से लगता है, उसमें किस तरीके से लेफ़्ट राइट का फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको जो फिटिंग मिलेगी किचन के अंदर, जो हमारा एस क्राउजर पेंट्री यूनिट का, वो भी आपको बिला का ही मिलेगा। इसमें कलर फिनिशिंग किस तरीके से है वो सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से आपको हैमर मशीन से गिट्टी करनी है। इसमें जो गिट्टी लगानी है आपको प्लास्टिक वाली लगा सकते हैं, नहीं तो अपनी लकड़ वाली भी लगा सकते हैं। मजबूती होनी चाहिए, नीचे से हमारा प्रॉपर टाइट हो जाना चाहिए। जो हमारा बोतल प्लाउट होता है नीचे से जैसे कि आपका बाहर भी निकलता है सामान होता है इसमें, तो उसमें मजबूती रहनी चाहिए, चैनल में टाइट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उसमें लूजिंग रहेगी तो सामान जैसे ज़्यादा रखोगे आप तो निकल भी सकता है और उसमें दिक्कत आ सकती है चलाने में, बंद करने में, उसको खोलने में इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। तो आपको गिट्टी पूरी प्रॉपर करनी है, कम से कम 2.5 इंची 3 इंच इस तरीके से गिट्टी करनी पूरी, जिसमें कि आपका स्क्रू 1.5-2 इंच का लग सके, तो इसमें आपकी मजबूती रहेगी और सही तरीके से टाइट हो जाएगा और इसमें आपका हिलेगा नहीं चैनल आपका। जैसे जगह पे आप जिस जगह पे करते हो गिट्टी, अगर उस वहाँ पर टाइट प्रॉपर हो जाता है चैनल में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसी प्रकार आपको लगाना है। और इसमें प्लास्टिक वाली भी लगा सकते हैं, लकड़ वाली, लकड़ वाली ज़्यादा मजबूत रहती है प्लास्टिक वाली से, प्लास्टिक वाली लूज़ हो जाती है, तो आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं। लकड़ वाली गिट्टी लगानी है, इस तरीके से आपको अपना फिट कर देना। तो इसमें गिट्टी आपने प्रॉपर ठोक के, आप इसको जैसे 4 गिट्टी हैं 4 ही गिट्टी का निशान लगाना आपको, इसमें ज़्यादा गिट्टी नहीं लगानी, 4 लगानी है आपको। इसी प्रकार से टाइट कर सकते हैं, इसी हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे ही हमने गिट्टी लगा दी 3 गिट्टी अपने, 4 और गिट्टी हम इसको प्रॉपर ठोक के अपने इसमें कसेंगे चैनल को, किस तरीके से कसना है। और इसमें आपको पेच भी ठोकने नहीं है, पेच भी अपने टाइट करने इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें जैसे आपका बोतल प्लाउट कितने साइज़ के आते हैं, इसमें किस तरीके से आते हैं, ये हमारे जो साइज़ हैं इनके अलग अलग साइज़ होते हैं। जैसे कि आपका 6 इंची 4 इंची अपना 8 इंची इस प्रकार आते हैं, 10 इंची तक इसका लास्ट साइज़ हो जाता है, वो जो हमारे स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें इसी हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी आप जो बनवाओगे ऑर्डर से बनवाओगे वो भी SS का, जो हमारे इनोटेक में है उनके स्टैंडर्ड साइज़ आते हैं, इस हिसाब से आप अपने साइज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप जैसे बनाते हो तो इस हिसाब से ले सकते हैं अपना, उस हिसाब से बना सकते हैं जगह के हिसाब से। अगर आपको जैसे वुडन का बॉक्स बनाने, उसमें भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, आप जैसे देख रहे हैं इसमें, इसलिए लंबा हो गया कि इसमें मैंने पूरी जानकारी दी है आपको, गिट्टी किस तरीके से करी है और गिट्टी किस तरीके से आपका स्क्रू लगेगा और चैनल आपका कितना टाइट होना चाहिए, सब कुछ इसमें मैंने टाइट करके दिखाया आपको। इसमें कोई भी मैंने पार्ट मिस नहीं करा, आप आसानी से लगा सकें, इसी हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। आप इसमें जैसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं आता लगाना तो आप इस वीडियो के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना भी आता है तो कोई नया वीडियो नहीं है आपके लिए। जिन भाइयों को लगाना आता है उनके लिए कोई नया वीडियो नहीं है, वो भी अपना वो दे सकते हैं। अगर उनको कोई अच्छी जानकारी लग रही है इसमें तो वो अपनी जानकारी ले सकते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। और इसमें लगाने का तरीका दिखा रहा हूँ, जो जिन भाइयों को नहीं आता वो आसानी से लगा सकते हैं। तो स्क्रू आपको टाइट करने अपना, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर हो उससे कर सकते हैं, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो इससे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लगाना है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने इसमें साइज़ बताया पीछे कितना करके लगानी होती है, ये आप टाइट करके बोतल प्लाउट में तभी अपना साइज ले सकते हैं। अगर आप इनोटेक भी लगाते हैं, इनोटेक का भी साइज आप ऐसे ही लें अपना, जैसे कि उसमें लगाना कितने साइज़ पर आ रहा है, वो कितने हिसाब से मत्था ले रहा है, उसी हिसाब से आप 4-5 mm अंदर करके लगाना है। इनोटेक भी ऐसी लगती है। बोतल प्लाउट किस तरीके से लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हमने इसमें जैसे 4 स्क्रू टाइट कर दिए हैं, जैसे कि हमारे चैनल में थे, पहले आगे से टाइट करने हैं, साइज नाप के आप पीछे के टाइट कर सकते हैं जो हमारे स्क्रू हैं। तो इसमें जो चैनल में लगाने, फिर उसके बाद अपना बोतल प्लाउट कसना है आपको। पीछे लॉक होते हैं इसमें फंसाने के, आगे से स्क्रू कसे जाते हैं अंदर से, जो हमारे बोतल प्लाउट में होते हैं। अगर आपको बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो इस तरीके से आप देख के कर सकते हैं, जो हमारे कंपनी के होते हैं इस तरीके से लगाने हैं आपको। पीछे के लॉक प्रॉपर सेट हो जाने चाहिए, बैठ जाने चाहिए। आगे का जो स्क्रू की जगह होती है वो उसी हिसाब से आती है,
बाकी आप देख सकते हैं इसमें कोई ड्राइंग का कोई इशू नहीं होता कि इसमें ड्राइंग आती है किस तरीके से ड्राइंग से लगाना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और आपको जैसे ड्राइंग के लगाने होते हैं तो उनके जैसे बास्केट होती हैं उनका किस हिसाब से लगाना चाहिए, जो हमारी बोतल प्लाव जैसे ये बोतल प्लाउट है इसकी कोई ड्राइंग है नहीं। अगर आपको जैसे लगाना तो कुछ जो हमारे कुछ कंपनियां ड्राइंग देती हैं तो उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। बाकी ये सबसे आसान तरीका, सरल तरीका और सीधा तरीका, इसी तरीके से आपको लगाना है। उसमें कोई टाइम की वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका इसमें। अगर कोई जैसे कम जानता है वो भी लगा सकता है इसको बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रू आपको टाइट करने, आगे की साइड दो स्क्रू आते हैं जो हमारे बास्केट है, इस तरीके से आपको चला के देखना है, एक बार टाइट तो नहीं है, तभी आपको प्रॉपर टाइट करने हैं स्क्रू जो आगे वाले होते हैं। ये देख रहे हैं अपना, इसी हिसाब से हमारा 5 mm अंदर है। जैसे कि हम इसको बंद करेंगे, जैसे खोल के अंदर को जैसे सॉफ्टवेयर खींचता अंदर को, तो ये प्रॉपर जो हमारा फ्रंट है वो चिपक जाएगा, जैसे कि साइडों से बिल्कुल मिल जाएगा, कोई गैप नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको लगाना, इसमें रेंच नहीं आती, इसमें कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं आता। ये देख रहे हैं अपना, इसी हिसाब से गुनिया में आता है और आप इसको लगा सकते हैं। गिलास वाला अगर बोतल प्लाउट लेना आपको तो मैं यही इसका रिकमेंड करूँगा आपको कि वेला का ही लें, इससे बढ़िया आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस प्रकार अपना लगा सकते हैं किचन में बोतल प्लाउट साइज़ 250 mm। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें कि उनको भी पूरी जानकारी मिल सके किस तरीके से हमने बोतल प्लाउट लगाया था, इस वीडियो में आपने देखा था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगली वीडियो फिर मिलेंगे आपसे, आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।